चैनल जॉब डिटेक्टर पे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन जो कि डिप्लोमा लेवल पे बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज, जो तो जो डायमीटर होता है हमारा एटम का वो 10^-10 मीटर होता है। हमारा क्या होता है 10 पे, ये सब याद करने वाला चीज़ है, थोड़ा रट्टा मारने वाला उस टाइप से। तो ये हमारा ऑप्शन वन जो है सही होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन नेचर। अब कंपाउंड कंपाउंड जो होता है मिक्सचर होता है एटम मॉलिक्यूल्स का, तो कंपाउंड तो बहुत सारा एटम क्योंकि अनगिनत है, तो कंपाउंड्स भी तो अनगिनत ही बनेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं, लिमिट नहीं रहता हमारा कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारा 1.67 × 10^-27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो होता है 9.11 × 10^-31 kg। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने से हमें पता चलता है कि लगभग 1837 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और हम लोग। तो द इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जो एक एटम के लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी आप जानते ही हैं, पहला दूसरा ऑर्बिट जो है तीसरा, यहाँ पे के होगा, यहाँ एल होगा, यहाँ एम होगा, और लास्ट ऑर्बिट जो है एन होगा। तो जो लास्ट ऑर्बिट जो रहता है उसे हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट जो हमारा ऑर्बिट रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन थर्ड को टिक कर देते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझिए कि लास्ट ऑर्बिट में, अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर। ये चीज़ याद रखिएगा, 4 से अगर कम रहेगा तो हम क्या कहेंगे उसे, कंडक्टर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहे लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहे या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम ही होता है, 4 से कम रहे तो वो हमारा हो जाता है कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ मोर देन 4। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 से ज़्यादा रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से कम रहेगा तो क्या होगा आंसर, कंडक्टर। अब 4 से ज़्यादा रहे तब क्या होगा, तब हमारा होगा इंसुलेटर। 4 से अगर ज़्यादा रहे तो हमारा होगा आंसर इंसुलेटर। तो यहाँ पे इंसुलेटर कहाँ है, थर्ड ऑप्शन, ये हमारा हो गया इंसुलेटर सही। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 रहे तो सेमी कंडक्टर। अब याद रखिएगा हमेशा कि अगर 4 से कम रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर, और 4 से ज़्यादा रहे तो इंसुलेटर, और 4 रहे तो हमारा हो जाएगा सेमी कंडक्टर। हाँ, और एक चीज़ याद करने वाला चीज़ है कि कंडक्टर में जो है हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड। कंडक्टर में याद रखिएगा हमारा मेटालिक बॉन्ड बनाता है, और सेमीकंडक्टर में जो है कोवेलेंट बॉन्ड, और इंसुलेटर में जो है आयोनिक बॉन्ड। ये था हमारा यहाँ तक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते आइए देखते हैं, जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। 1 कूलम्ब चार्ज पूछ रहा, तो कूलम्ब के चार्ज के जगह 1 ले लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, और ई जो है हमारा कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1/1.6 × 10^-19 कुछ समथिंग होगा, एन हो जाएगा हमारा 1, एन जो होगा हमारा 1/1.6 × 10^-19। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए आएगा आंसर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ए, 625 × 10^16 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 8 क्वेश्चन में पूछा गया 1 cm³ ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा जाहिर सी बेसिक सी चीज़ें याद रखने का चीज़ें रटने वाला टाइप से थोड़ा सा। तो हमारा होगा आंसर थर्ड, 8.5 × 10^22 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। अब इलेक्ट्रिक करंट किस किस कारण होता है? कंडक्टर में आप जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। और सेमी कंडक्टर में किसके कारण होता है? सेमी कंडक्टर में होता है हमारा पॉजिटिव चार्जेस के कारण, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस। ऑप्शन जैसे दिया है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। तो हम लोग तो सेमी कंडक्टर में तो दोनों से कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से भी जिसको कि होल्स मान के चलते हम लोग, और नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सेमी कंडक्टर में दोनों और बस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग दोनों चार्जेस से करेंट को जो है फ्लो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईएमएफ इन अ सर्किट। एक सर्किट में ईएमएफ क्या बताता है? ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, सर्किट रेजिस्टेंस तो नहीं इंक्रीज होता, डिक्रीज भी नहीं होता। नेक्स्ट आ गया है ऑप्शन मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो ईएमएफ जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्लो। अब हम बताए थे आपको कि सेमी कंडक्टर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से होता है, पर इलेक्ट्रिक करंट जो कि मेटेलिक कंडक्टर अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस के कारण होता है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 13 नंबर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, तो वो तो चार्ज से मैच नहीं होता, चार्ज का कूलम्ब होता है, पावर का वॉट होता है, और एनर्जी का क्या होता है? जूल। तो ना तो चार्ज क्या बोलता है, ना तो कूलम्ब है, ना तो वॉट है, ना तो जूल है। तो हमारा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वी इक्वल टू वोल्ट, यूनिट होता है वोल्ट। और आते हैं हम लोग 14 नंबर। द इलेक्ट्रिक करेंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू। अब लिक्विड में देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो हो, जब भी जैसे कि आप जानते ही होंगे पानी में भी करंट फ्लो करता है, क्योंकि पानी छू, अगर पानी में करंट जाता है तो छूते हैं तो करंट भी हम लोग को लगता है, महसूस होता है, तो वो तो फ्लो होना ही है पानी के अंदर भी। पर लिक्विड में किस कारण से फ्लो होता है? तो लिक्विड में याद रखिएगा हमेशा कि आयंस के कारण होता है। कौन सा आयन? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दोनों आयंस के कारण जो है लिक्विड में जो है करंट फ्लो होता है। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर के। तो ए बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 10^-3 सेकेंड द करेंट इज। अब इसमें सिंपल आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q हमारा क्या है? Q को हम लोग लिख सकते हैं N इंटू E लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं N इंटू E बाई टी। तो यहाँ पे हमारा जो है दिया गया है बिलियंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 बिलियन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बिलियन है। 1 बिलियन को हम लोग 10^9 लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10^-19, 1.6 × 10^-19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10^-3, 10^-3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व करने से 1.6 × 10^-7 एम्पियर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, अगर 10^9 × 1.6 × 10^-19 जैसे कि हम दिखाई देते हैं आपको सॉल्व करके, तो 10^-19 है, 10^9 है, तो 1.6 × 10^-10 हो जाएगा डिवाइड बाय 10^-3, और -3 ऊपर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1.6 × 10^-10 + 3 -7 हो जाएगा, जो कि 1.6 × 10^-7। समझ गए आप लोग? तो ये था हमारा 16 नंबर का आंसर। अब आता है 17 नंबर के आंसर क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू। आप देखें
मेटेलिक कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है लिक्विड में, और सॉलिड का देख लिए, लिक्विड में आप देख लिए आयन्स के कारण होता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पर हमारा गैस में किस टाइप से करंट फ्लो होता है? गैस में करंट फ्लो होने का उसमें भी कुछ होगा, तो उसमें जो है ये जो है हमारा इसमें होता है पॉजिटिव आयन्स का सा पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहाँ हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा जो कि इसके कारण होता है। याद रखिएगा ये थोड़ा रटने टाइप वाला चीज़ है आंसर है, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा रट लीजिए। तो याद रखिएगा इसको कि गैस में हमारा कैसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स दोनों के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाउ डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास अ पॉइंट इन अ करेंट इफ़ द करेंट फ्लो इज 15 mA। करेंट हमारा दिया गया है, चार्ज दिया गया है, तो करेंट और चार्ज जब दिया गया है, आई हमारा दिया हुआ है 15 mA। फॉर्मूला क्या है हमारा? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें टाइम निकालना है हाउ लॉन्ग इज टेक, तो हम अगर टी में फॉर्मूला लगाते हैं क्यू बाय आई हो जाएगा, तो क्यू बाय आई, क्यू का क्या वैल्यू लिखा है हमारा? क्यू का है 50 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को आप लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁶ और डिवाइड बाय 15 mA, 15 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 आपका आ जाएगा। तो ये फार्मूला पे आप बेसिक याद रखिएगा, इसको फार्मूला पे ही पुट करना, सिंपल बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। अब देखिए हाँ ये चीज़ अच्छा अच्छी क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, पर आपको आज सही रीज़न पता चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये तो आप जानते हैं। पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि आपका रो का फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम लोग तो आर इंटू ए वाई एल होता है, तो वो क्या कहते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ये लिख के आता है। पर ये सही नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है सिर्फ आपका मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है आपका वो एरिया लेंथ पे जरूर डिपेंड करेगा, पर रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कभी भी आपका एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो या तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा या फिर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप देख के ये आंसर देखिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लेंथ जो कि एकदम नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस पूछता सिर्फ तो हो सकता होता, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है जो कि रेजिस्टिविटी है, तब फिर ये नहीं होगा, लेंथ नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं होगा, डायमेंशन से भी कोई मतलब नहीं, जो मतलब है हमारा मटेरियल और टेम्परेचर से। तो हमारा 19 का 4 आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर के क्वेश्चन पे आता है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय अ करेंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर 1 आवर, ये भी सिंपल आपका फार्मूला में जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला में जाएगा। फार्मूला क्या है आपका कि आई इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू निकाल दीजिएगा आप, क्यू अगर निकालना होगा हमको तो आई इंटू टी करेंगे। आई जो है हमारा, आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर और टी हमारा है 1 घंटा। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा? 36,000। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.6 × 10⁴ कूलम। तो हमारा ऑप्शन बी जो है 3.6 × 10⁻ सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज इनडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का भी हम जैसे कि आपको बताया कि लेंथ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट डिपेंड रहता है, पर कभी भी रेसिस्टिविटी नहीं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं। तो रेजिस्टेंस जो है डिपेंड रहता है लेंथ पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, पर यहाँ पे पूछा गया है कि किस पे डिपेंड नहीं रहता है। तो देखिए मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, पर यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 4, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे सर्कुलर रहे चाहे ट्रायंगुलर रहे, उसके से कोई मतलब नहीं है, वो क्रॉस सेक्शन पे ही से डिपेंड करता है चाहे कैसा भी शेप रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। द लेंथ ऑफ ए वायर हैज़ रेजिस्टेंस 6 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज
एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। तो इसके लिए सिंपल हम लोग देखिए, आप जानते होंगे फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बाई, मान के चलिए कि ए लेंथ ऑफ वायर है 6 ओम, पहला जो है 6 ओम दिया गया है, उसका कुछ लेंथ होगा, उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, अब क्या किया गया है, दूसरा रेजिस्टेंस लिया गया है, उसका जो है लेंथ को दोगुना कर दिया गया है, लेंथ को हम लोग दोगुना कर दिए हैं, और सॉरी लेंथ को 3 गुना कर दिए हैं, लेंथ को हम लोग 3 गुना कर दिए हैं, लेंथ को 3 गुना कर दिया हम लोग, और हमारा एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को दोगुना कर दिया। अब हम लोग ये दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालेंगे हम लोग तो आर टू बाय आर वन, आर वन जो कि 6 है हमारा, इक्वल टू हमारा इसका, इसका हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 3/2 एल ए इंटू ए बाय एल। तो सिंपल फार्मूला में लगाएंगे, ए ए कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आर टू क्या हो जाएगा, यहाँ टू आर टू इक्वल टू 18, टू आर टू इक्वल टू 18 आ रहा है हमारा, टू आर टू इक्वल टू 18, तो आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 9 ओम। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से हम लोग आते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका ऑप्शन होगा हमारा दूसरा नंबर, 10^-3 मीटर पर सेकेंड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप तो बेसिकली जानते ही होंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल्स का, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी रहता है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 10^-3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कंडक्टिविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का क्या होता है, कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 रेजिस्टिविटी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर डैश विथ राइज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर का, वो टेम्परेचर के राइज होने के साथ क्या होता है, अब आप जानते ही होंगे कि टेम्परेचर कोफिशियंट जो है हमारा कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर कोफिशियंट मेटल का जो होता है पॉजिटिव होता है, मेटल का इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशियंट जो है नेगेटिव होता है, इंसुलेटर का और हमारा सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, उसका भी नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कंडक्टर, अब जानते हैं आपकी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 50 mJ ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल फॉर्मूला है V=W/U, W जो है हमारा एनर्जी है, एनर्जी क्या है 50 mJ, तो मिली को हम कन्वर्ट करते हैं जूल पे, तो 50 × 10^-3 ये हो गया, डिवाइड बाय एवरी माइक्रोकूलम मतलब पर माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम मतलब कि 10^-6। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, ये सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे, हम तो जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, 27 नंबर, इंसुलेटर हैव डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी जैसे हम बताएं आपको कि नेगेटिव इंसुलेटर का तो नेगेटिव होता है, सिर्फ कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, बाद बाकी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। अब यूरेका जो है इसका याद रखिएगा, हमेशा से थोड़ा सा रट ही लीजिएगा कि इसका जो है टेम्परेचर कोफिशियंट जो होता है लगभग 0 के आसपास होता है, लगभग 0 के आसपास यूरेका का याद रखिएगा टेम्परेचर कोफिशियंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ,
विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 50 जूल वर्क, मतलब हमें चार्ज निकालना है। तो सिंपल आप फॉर्मूला जा रहे हैं चार्ज निकालना, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, हमारा वोल्टेज दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ है, तो क्यू इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, हमारा डब्ल्यू जो दिया हुआ है, वर्क डन जो दिया हुआ है 500 जूल है, सॉरी 500 जूल है, और हमारा जो है वोल्टेज जो है 100 है, तो 100 फाइव कट गया 5, तो 5 कूलम चार्ज हो जाएगा, हमारा ऑप्शन वन सही हो जाएगा, ऑप्शन वन जो है हमारा सही आंसर होगा इसका, 5 कूलम चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ए पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ एंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। अब देखिए, डायमीटर रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर, वो भी तो रेजिस्टेंस, जैसे कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस, रेडियस जो है आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। अब ऐसा क्यों होता है रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं फॉर्मूला, हम लोग आर इक्वल टू रो एल बाय ए, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय रेडियस का स्क्वायर का। अब समझ में आ गया आपको कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया, डायमीटर हाफ हुआ है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2R, डी इक्वल टू 2R, या फिर R इक्वल टू डी बाई 2, तो डायमीटर जो है हमारा हाफ हो जाता है। R इक्वल टू डी बाई 2 हम जैसे कि लिख सकते हैं, R इक्वल टू डी बाई 2, डायमीटर हाफ हुआ, तो 1/2, 1/4, रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस क्या हुआ, 1/4। अब हम जैसे कि जानते थे आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस को हम लोग पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि हमारा 1/4 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऊपर में चल जाएगा और स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा हमारा, तो आंसर क्या होगा हमारा 16 टाइम्स आंसर। समझ में आया आप लोग को कैसे किया हमने। जैसे कि हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का स्क्वायर का। रेडियस हम लोग निकाले, डायमीटर हाफ था, तो फॉर्मूला से सिंपल बेस किए तो आर इक्वल टू 1/4 हो गया। अब 1/4 यहाँ पुट करते हैं तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 16 टाइम्स के। तो ऐसे हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर आया। अब आते हैं 31 नंबर की ओर। 31 नंबर है हमारा सेमीकंडक्टर। अब तो आपको बताया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का, ये भी नेगेटिव होगा, ये चीज़ भी आपको बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 32। द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब थर्मल स्पीड जो है हमारा, इसका सिंपल बेसिक याद रखिएगा, रट के ही रखिएगा, 10^-6 मीटर पर सेकेंड। थर्मल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन का हमारा होता है 10^-6 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और आते हैं। कॉन्स्टेंट वायर इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब कॉन्स्टेंट वायर होता क्या, कॉन्स्टेंटेंट वायर ये होता है कॉपर निकल का एलॉय। कॉन्स्टेंटेंट वायर जो होता है कॉपर निकल जो रहता है, कॉपर निकल को मिक्स करके बनाया जाता है कॉन्स्टेंटेंट वायर। अब इसका खासियत क्या है, इसका खासियत यही है कि हमारा जो है इसका रेजिस्टिविटी कभी जल्दी चेंज नहीं होता, चाहे टेम्परेचर कितना भी चेंज हो पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। तो हमारा इसमें खासियत यही है कि इसका रेजिस्टिविटी जल्दी चेंज नहीं होता, इसलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कॉन्स्टेंटेंट वायर यूज़ करते हैं। तो इसका क्या रहता है, मेन इसका पॉइंट रहता है कि लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है। लो, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब जैसे आपको बता देते हैं कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा अगर उस पर टेम्परेचर से इफेक्ट होगा उस पर, मतलब समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर उतना ज़्यादा होगा जितना उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो टेम्परेचर आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बताया गया, कॉन्स्टेंट वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है जिसके कारण टेम्परेचर उतना उस पर इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल
2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इतना ओम, 1.6 × 10⁻¹ एटम स्पेसिफिक रेशंस। अब देखिए आप इसको सिंपल फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, जैसे कि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, एल तो आपका दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकाल ही देंगे। इसका आंसर वैसे हम बता देते हैं आपको, आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। इसको आप कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 1 है, फॉर्मूला में पुट करना है सिंपल से हो जाएगा। अब हम लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, 1 बाय रेसिस्टिविटी। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या आता है, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर होता है आप जानते हैं। तो अब हम लोग 1 बाय ओम को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ओम, ओम जिसको रेजिस्टेंस है, तो 1 बाय ओम को हम लोग, 1 बाय रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस लिखते हैं, 1 बाय रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस लिखते हैं। कंडक्टेंस का क्या होता है, मोहो, मोहो होता है, कंडक्टेंस का क्या होता है, मोहो होता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कंडक्टिविटी का हमारा निकला ही था कि 1 बाय रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी क्या होता है हमारा, ओम मीटर, ओम मीटर। तो अगर हम 1 बाय ओम को हम लोग मोहो भी लिख सकते हैं, तो हमारा मोहो मीटर फॉर्मूल ऐसा यूनिट बन सकता है। तो हमारा मोहो मीटर कौन सा है, ऑप्शन में है 4 नंबर, ऑप्शन में हमारा मोहो मीटर। ये था 35 नंबर का। अब 36 नंबर, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट डिपेंड ऑन। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशियंट का वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशियंट। देखिए टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा, जो कि उसको तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है, क्रॉस सेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से भी कोई मतलब, वो सिर्फ मतलब रखता है नेचर ऑफ मटेरियल से और टेम्परेचर से। तो ये आप समझ गए होंगे कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट किससे, अल्फा किससे डिपेंड रहता है, अल्फा जो है हमारा डिपेंड रहता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर से। अब और सिंपल से ये भी जानते ही होंगे कि चेंज होता है रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिग्री इन चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा का तो सिंपल फार्मूला है, सिंपली अल्फा को क्या समझते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस में बदलाव आता है, कैसे आता है, जितना जितना डिग्री चेंज आता है टेम्परेचर पे, तो अल्फा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसमें मतलब कि टेम्परेचर से इफ़ेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, इसीलिए अल्फा जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज आर नॉट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट रेजिस्टेंस नाउ विल बी। अब इसके लिए हम एक आपको शॉर्टकट फार्मूला बताते हैं, जब भी लेंथ चेंज होता है स्ट्रेच करके, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और लेंथ चेंज होता है स्ट्रेच करके, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। इसको रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला को रट लीजिएगा, जब भी अगर आपको कहीं भी दिखे क्वेश्चन में स्ट्रेच किया है एन टाइम्स, तो इस फॉर्मूला को लगाइए, जब लेंथ चेंज हो रहा होगा तब, लेंथ को स्ट्रेच करके बढ़ाया घटाया जा रहा होगा तब, और अगर मान चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाया बढ़ाया जा रहा होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आर न्यू इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर आर ओल्ड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, रट के रखिएगा, अगर हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, एन जो रहेगा जितना टाइम्स बढ़ा रहेगा या घटा रहेगा वो रहेगा एन, और आर ओल्ड जो है पुराना रेजिस्टेंस, आर न्यू जो है नया रेजिस्टेंस। और जब भी एरिया अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है स्ट्रेच करके घटाया बढ़ाया जा रहा है, तब फिर हमारा फॉर्मूला लगेगा 1 बाय एन स्क्वायर आर ओल्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एन स्क्वायर आर ओल्ड, जो कि ये फॉर्मूला हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 38 नंबर की ओर आते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 2 × 10⁻¹, वाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ ए होलो पाइप ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडी 10 cm 20 cm। ये भी सिंपल फार्मूला में ही आपका आएगा, सिंपल फार्मूला क्या है आपका, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय, बस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए होगा, रो जो है हमारा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, रो दिया हुआ है हमारा, लेंथ जो है हमारा वो भी दिया हुआ है, और रेडी, अब यहाँ पे 2 रेडियस दिया हुआ है,
इनर और आउटर, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला एक मैथ में बेसिक मैथमेटिक्स में रहता है फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला पे आप पुट करते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पे हमारा जो है जर्मेनियम कैसा बिहेव करेगा। आप याद रखिएगा सेमीकंडक्टर कोई भी जीरो केल्विन पे जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जैसे जैसे हम करंट क्या बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जीरो केल्विन से बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते रहेगा, और एक समय आने के बाद वो सेचुरेटेड समय सेचुरेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो याद रखिएगा हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा जीरो डिग्री केल्विन पे, जीरो केल्विन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसका रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताना। कॉपर वायर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस जो है हमारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, एल्युमिनियम वायर भी करता है, टंगस्टन वायर भी करता है। तो ये था हमारा। अब देखिए एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.1% द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसमें बदलाव कितना आएगा 0.2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ नर्व, अब किसी के नस से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते तो वो आदमी क्या करेगा, हंसेगा, रोएगा, एक्साइट होगा, इनसेंसिटिव पेन, तो जाहिर सी बात है रोएगा ही, करंट अगर किसी के नर्व से पार होगा तो वो रोएगा ही। ये हमारा ऑप्शन नंबर टू आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो आप जानते हैं सबसे पहला सिल्वर रहता है, उसके बाद गोल्ड रहता है, उसके बाद कॉपर रहता है, फिर जिंक आता है, ये चीज़ तो है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे हमारा आता है द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इतना 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम एट कितना टेम्परेचर पर जो है रेजिस्टेंस जो है 2 ओम होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू R1 वन माइनस अल्फा T2 माइनस T1। R2 हमारा हो गया सेकेंड रेजिस्टेंस जो कि 2 ओम दिया गया है, R1 जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस जो कि 1 दिया हुआ है 1 ओम, 1 माइनस अल्फा जो कि 0.00125 दिया गया है, और टेम्परेचर जो है एक तो हम लोग को निकालना है और एक जो है दिया हुआ है। तो हमारा जो है देखना है एट 300 केल्विन इट्स टेम्परेचर इज, तो T2 निकालना है हम लोग को, पहला वाला 1 ओम का दिया हुआ R1, तो T2 हमको निकालना है, तो T2 माइनस 300। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा आंसर जो है सिंपली आपका आ जाएगा 1127 के। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, इसका आंसर आ जाएगा 1127 के। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपसे। गुड नाइट रहेगा आप लोग को, धन्यवाद।